हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू हैकर्स कॉलोनी वंस अगेन एंड दिस अजर। तो गाइस, आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, इस एक फॉरेंसिक ऐप जो आपके काफ़ी कमाल की ऐप है गाइस, और मोस्टली यूज बाय एथिकल हैकर्स गाइस। और ये गाइस ऐप काफ़ी कमाल की है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं गाइस, मैं आपको करके दिखाऊंगा। बस गाइस, रिक्वेस्ट यही था गाइस कि अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना एंड बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक करो ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब ये देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर, ये ऐप है, इसका नाम है फ्री फॉरेंसिक ऐप, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता दूं गाइस, ये ऐप एक का मेन काम क्या है गाइस, कि ये ऐप का मेन काम ये है कि आप जितने फ़ोन में ऐप्स यूज़ करते हो सारे के सारे के बारे में बताएगा कि वो कौन सा परमिशन ले रखा है आपके बैकएंड में, मतलब कि बिना परमिशन के। जैसे आप सेटिंग्स में जाते हो तो उसमें परमिशन दिखता है, लेकिन कुछ कुछ परमिशन ऐसी होती है जो आपको आपके फ़ोन दिखा नहीं पाता है। तो ये ऐप से वो सारी चीज़ देख सकते हो, और वो ऐप किस कहाँ पर कहाँ से डाउनलोड किया गया है, वो ऐप को कब डाउनलोड किया गया है, और उसका क्या क्या फीचर्स है और कैसे काम करता है, सारा कुछ आप इस ऐप के थ्रू देख सकते हो। तो गाइस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस ऐप को ऑन कर लेना गाइस। तो जैसे ऐप ऑन करोगे, सबसे पहले आपको ये परमिशंस मांगेगा, ठीक है। तो स्टोरेज, फ़ोन एंड कॉन्टैक्ट्स, तो आपको कॉन्टैक्ट्स को बंद कर देना है, कॉन्टैक्ट्स आपको कोई काम ही नहीं है, ठीक है, और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ जैसे स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये आपका जो भी आप फ़ोन यूज़ कर, सारा फ़ोन का इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहा है जो भी फ़ोन में ये आप रन करोगे, ठीक है। उसके बाद गाइस ये क्या करना, सिंपल मैंने कुछ कुछ पार्ट ब्लर किया है क्योंकि ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस वजह से, ठीक है। तो आप उसके लिए माइंड मत करना, आपको अपने फ़ोन में दिख जाएगा। उसके बाद आपको ये ऊपर में दिख रहा होगा एनालाइजर, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 397 ऐप्स हम यूज़ करते हैं, आई मीन वो डिफ़ॉल्ट ऐप्स जो ऑलरेडी फ़ोन में है उसको इंक्लूड करके जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, सारे ऐप्स, चाहे मैंने क्रोम से किया है, प्ले स्टोर से किया है, एंड्रॉइड से किया है, कहीं से भी किया है, सारे मिला के 397 है, सारे ऐप्स को वो स्कैन करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस कि ये सारा खुल गया यहाँ पे। तो ऊपर आप देख सकते हो 118787 ऐप्स इन ये स्पेनिश लैंग्वेज है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको यहाँ क्या करना है, देख सो ये कैनवा आए थे, बिलीव कि आप सबको पता है कैनवा ऐप के बारे में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवा का पैकेज क्या है, इसका जो मेन पैकेज है com.canva.editor, ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गाइस देख सकते हो इसको मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, ठीक है। अब चेक करना इसका लास्ट अपडेट कब था, तो लास्ट अपडेट देखो 23/5/2022, मतलब मैंने 23 तारीख को इसको अपडेट किया था लास्ट, ठीक है। अब देखो मैंने इसे डाउनलोड कहाँ से किया, सारा कुछ ही बताएगा। तो देखो मैंने इसे डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से, ठीक है। और इसके नीचे आप देख सकते हो सारा कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन कि ये क्या 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 इन्फॉर्मेशन लेता है। जैसे कि देखो गूगल एंड्रॉयड, तो ये गूगल का परमिशन इसमें अलाउड है, एक्सेस नेटवर्क स्टेट देख सकते हो, रीड एक्सटर्नल नेटवर्क स्टेट, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज। तो ये ऐप जो है मेरा स्टोरेज को, स्टोरेज का परमिशन भी ऑलरेडी ले रखा है, मैं दूँ या ना दूँ फिर भी वो लेगा। ये देख सकते यहाँ पे इसने कैमरा परमिशन भी ले रखा है, बिलिंग, वाइब्रेट, वेक लॉक, सारा परमिशन इसने ले रखा है। तो इसमें इससे क्या फ़ायदा होगा, इसकी इसमें मैं ये देख के क्या कर सकता हूँ, मैं सेटिंग में जाकर इस ऐप की वो परमिशन बंद कर दूंगा, जैसे कैमरा, तो कैमरा कोई इसका काम का है नहीं है ऐप का, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। इसी तरीके आप नीचे देखो कि मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ, वेयर इज़ माई ट्रेन, तो ये ऐप्स के बारे में देखो सारा इन्फॉर्मेशन इसका अवेलेबल है यहाँ पे, कहाँ से मैंने डाउनलोड किया और कहाँ से किया। तो देख सकते यहाँ गूगल पे लिखा है, मतलब प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, तो वो दिखा रहा है। इस तरीके से गाइस जितना भी आप ऐप्स यूज़ करते हो वो सारा का परमिशन से दिखाता है। तो यहाँ देखो परमिशंस में परमिशन आप देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनेट परमिशंस लेता है, एक्सेस फाइन लोकेशन, ये ऐप मेरा लोकेशन लेता है, इंटरनेट तो लेता है डेटा, एक्सेस कोर्स लोकेशन, जो मैं जहाँ जाऊँगा सारा लोकेशन ये कैप्चर करता रहेगा, और बैकग्राउंड लोकेशन, मतलब आप इसे लोकेशन ऑन ऑफ और मैटर नहीं करता, बट ये बैकग्राउंड में लोकेशन लेता है। वेक लॉक का परमिशन इसका अलाउ रहेगा, परमिशन रिसीव, नेटवर्क स्टेट मतलब और वाईफाई स्टेट, वाइब्रेट, सारा कुछ परमिशन से लेता है। अलार्म का परमिशन भी इसने ले रखा है। इसी तरीके से आप जान सकते हैं, यहाँ देखो एंड्रॉइड परमिशंस रिसीव बूट कंप्लीटेड, तो इसने अभी रिसेंटली ही मतलब मेरे एंड्रॉइड का इन्फॉर्मेशन इसने कलेक्ट की है, ठीक है, तो ये बता रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा ऐप अपने फ़ोन में रखना है कौन सा नहीं। अब मैं लास्ट एक और दिखा रहा हूँ, मैक माई ट्रिप, ठीक है। तो मैक माई ट्रिप देखो, यहाँ देखो इसका साइट क्या है, पैकेज है com.macmytrip, ठीक है। आप ये कौन सा डेटा पे रन करते हैं, कहाँ कौन सा स्टोरेज पे, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और इसे मैं डाउनलोड कहाँ किया, तो गूगल प्ले से दिख रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से आप देखो रिसीवर्स इन्फॉर्मेशन, इसने कितना इन्फॉर्मेशन रिसीव किया है, 22, और रिसीव सर्विस मेरे को जो दिया है वो 46 है। और ये क्या क्या परमिशन लिया है, इंटरनेट, लोकेशन, वाइब्रेट, राइट कैलेंडर, मतलब कैलेंडर भी ये चेक लेता है, ठीक है, राइट कैलेंडर, मॉडिफाई ऑटो सेटिंग्स, सेटिंग्स का परमिशन ले रखा है, वाईफाई सेट भी ले रखा है, नेटवर्क स्टेट भी ले रखा है,
और यहाँ पर मुझे देखो कि इसने सारा परमिशन लिखा है। तो गाइस इस तरीके से काम करता है। अब देखो एक गाइस ये VPN है, थंडर VPN मैं यूज़ करता हूँ। तो गाइस ये VPN मैंने कहाँ से डाउनलोड किया इसको नहीं पता है, क्योंकि इस वीडियो VPN को मैंने मॉडिफाई किया इसलिए इसको नहीं पता। बट लास्ट अपडेट मैंने कब किया इसने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सी सर्विस यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करता है, नेटवर्क स्टेट, वेक लोक और बैकग्राउंड में भी चलता है। चाहे मैं परमिशन दूँ या ना दूँ बैकग्राउंड का, स्टिल ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप कोई भी ऐप को अपने फ़ोन के अंदर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐप का गाइस ये कमाल है। तो इस तरीके से ऐप वर्क करता है गाइस, और इस ऐप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें भी कर सकते हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता स्ट्राइक के इश्यू की वजह से। बट डेफिनेटली आप ट्राई करो, और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करो, और व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना एंड बेल आइकन पर डेफिनेटली क्लिक करो ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय बाय।